तो आज हमें एक्चुअली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का, पॉलीमॉर्फिज्म, और पॉलीमॉर्फिज्म में भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट जो है हम आज वो देखेंगे क्या फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है। ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग का जो कंसेप्ट है, ओवरलोड करना, मतलब पहले तो पॉलीमॉर्फिज्म का जो हमने बेसिक डिफिनेशन पढ़ी है, पॉली मीन्स डिफरेंट एंड मॉर्फिज मीन्स फॉर्म, सो डिफरेंट फॉर्म्स, यानी एक ही नाम की चीजें होंगी लेकिन डिफरेंट फॉर्म्स में। वो किस तरह से होंगे हम एक डेमो करके डायरेक्ट देखेंगे। विल यूज सपोज अवर सम क्लास एज यूजुअल हम करते थे। We'll use int a, int b, and int c. We'll use three data members, and then public. Suppose we'll use constructor, and the constructor will set the three variables. So we have simply created a constructor function in which what we are going to do is that we are going to get the three variables from the user input. तीन variables हमें from the user input से मिलेंगे, constructor में हम यही काम करेंगे। ठीक है, तो actually यहाँ पे हमें concept जो समझना है function overloading का। ठीक है, तो हम एक simply पहले एक function use करते हैं void get। get में हम क्या करेंगे, सिंपल सी आउट कराएंगे कि क्या वैल्यूज, किसका क्या वैल्यू हमें दिया। लाइक वैल्यू ऑफ ए एंड देन विल ऑफ कोर्स प्रिंट ए then see out value of b then value of c. So we are just going to get these three values। हम चेक करेंगे जो हमने वैल्यूज तीन दिए हैं, यानी जो कंस्ट्रक्टर से हम तीन, जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तीन वैल्यूज इनपुट कराएंगे, एंड विल कॉल अ फंक्शन गेट टू गेट टू डिस्प्ले द थ्री वैल्यूज। ठीक है, जस्ट टू डिस्प्ले थ्री डेटा मेंबर्स। ठीक है, डेटा मेंबर जो तीन हमारे पास है, ए इंट बी और इंट सी, कंस्ट्रक्टर से उनको सीन कराएंगे थ्रू द यूजर इनपुट, एंड एक गेट फंक्शन कॉल करेंगे ताकि उन तीनों का वैल्यू हम देखें कि क्या है, ठीक है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे असल में काम आता है, हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि वाइड एक फंक्शन हो गेट सम जो हमें सम ऑफ नंबर्स दे। ठीक है, तो सम ऑफ नंबर्स दें। ठीक है, तो लेकिन हमारे यहाँ हमने जो किया, हमने तीन वेरिएबल्स बनाए ए बी और सी, तो हम चाहते हैं एक फंक्शन बनाना जो सम ऑफ टू नंबर्स दें। सपोज ऐसा हो इस तरीके का हो, हम इसको थोड़ी चेंज करने पड़ेगी, लाइक दिस विल बी सम ऑफ टू नंबर्स। तो ये फंक्शन हमें दो नंबर्स का सम देना चाहिए। देन हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म या फंक्शन ओवरलोडिंग वही होता है,
गेट सम। तो एक और ऐसी इसी नाम की एक फंक्शन होनी चाहिए, लेकिन वहां से क्या निकलना चाहिए, वी शुड गेट सम ऑफ थ्री नंबर्स। तो क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हम कर सकते हैं, तो हमें यही एक्चुअल में देखना है। ठीक है, वी विल एक्चुअली डू दिस वे, कंस्ट्रक्टर में हम असल में व्हाई डोंट वी डू दिस इंट x comma int y, हम कंस्ट्रक्टर जब क्रिएट करेंगे उसी वक्त a b और c का वैल्यू देंगे। सपोज a इज कॉल्ड x एंड b इज कॉल्ड y एंड c इज कॉल्ड z। तो a b और c का वैल्यू हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे तभी उनको भेजेंगे। ठीक है, फिर यहां से गेट से वो वैल्यूज देखेंगे कि whether we are getting them in the right place। ठीक है, अब मैं चाहता हूं फंक्शन ओवरलोड क्या होता है, एक ही नाम की फंक्शन एक से ज्यादा हो। सपोज यहां मैंने दो फंक्शन बनाई, लेकिन मैं चाहता हूं क्या हो कि यहां पर जब भी मैं कॉल करूं, सपोज ये वाली फंक्शन सम ऑफ टू नंबर्स देनी चाहिए, लेकिन ये वाली फंक्शन सम ऑफ थ्री नंबर्स देनी चाहिए। अब दोनों का नाम तो एक जैसा ही है, दोनों का रिटर्न टाइप, ऑल दो रिटर्न टाइप से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिटर्न टाइप तो एक ही है। अब किससे हमें डिफरेंस मालूम हो, तो डिफरेंस के लिए मैं यहां पे करूंगा इंट, सपोज एक्स इंट वाई। ठीक है, एंड यहां पे मैं करूंगा इंट एक्स इंट वाई। ये चीज यहां पे समझने की बात है, इनका दोनों फंक्शंस का नाम एक जैसा है, ये भी गेट सम है, ये भी गेट सम है, तो फंक्शन दोनों का नाम एक जैसा है, सेम फंक्शन नेम है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिफर कर रहे हैं। यहाँ पे वेरिएबल्स दो है और यहाँ पे वेरिएबल्स जो है तीन है, यानी इनके जो पैरामीटर्स है, यहाँ पे दो पैरामीटर ये ले रहा है और यहाँ पे तीन पैरामीटर ले रहा है। ठीक है, अब ये दो फंक्शन ओवरलोड हो गई, ये दो अलग अलग फंक्शन बन गई, अब ये एक ही नहीं है, ये दो फंक्शन है। ठीक है, दे डिफर ओनली इन द नंबर ऑफ पैरामीटर्स दे है, ये इस वाली फंक्शन में दो पैरामीटर है और इस वाली फंक्शन में तीन पैरामीटर। अब इन दो को कैसे यूज करें, विल जस्ट डू अ डेमो। विल फर्स्ट क्रिएट सम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्योंकि हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जो तीन वेरिएबल दे रहा है, तीन पैरामीटर्स दे रहा है ए बी और सी, तो इसका मतलब हमें तीन वैल्यूज देने पड़ेंगे यही इसमें। सपोज वी गिव 10, 20 एंड 30। ओके, 20, देन वी विल डू वन थिंग दैट हम गेट कॉल करेंगे, सी क्या गेट, हमें ये तीनों ठीक से आ रहे हैं, तो विल जस्ट एग्जीक्यूट दिस वंस, एक बार इसको रन करते हैं। वैल्यू ऑफ ए इज 10, वैल्यू ऑफ बी इज 20 एंड वैल्यू ऑफ सी इज 30। इसका मतलब जो हमारी कंस्ट्रक्टर फंक्शन है वो ठीक से काम कर रही है, हमने कंस्ट्रक्टर में क्या किया वो तीन वैल्यूज ले रहे हैं, इट इज गुड, हमें कोई इशू नहीं। ठीक, अब ये गेट फंक्शन को भी हमें कॉल हुआ, हमें तीन वैल्यू मिले। ठीक है, अब असल में हमें फिलहाल के लिए कंसेप्ट समझना है, हमें कंसेप्ट समझना है इन दो फंक्शंस को कैसे हम यूज करें। ये दो फंक्शन एक ही नाम की है, गेट सम भी और गेट सम भी। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सपोज ऑब्जेक्ट से किसी फंक्शन को कॉल कर रहे थे गेट सम। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे ऐसा लिखता हूं कि गेट सम को कॉल करो, लेकिन यहां पे थोड़ा सा इसमें इशू है। इशू क्या है कि ये बोलेगा मुझे गेट सम तो आप कॉल कर रहे हो, यहां पे तो आप लिख रहे हो कि गेट सम को कॉल करो, लेकिन कौन सा गेट सम, यहाँ पे मुझे दो गेट सम मिल रहे हैं, एक ये, तो मैं किसको कॉल करूं। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं एम्बिग्यूटी, ये एम्बिग्यूटी है। तो ये एम्बिग्यूटी हटाने के लिए हमने क्या किया है, हमने बोला जो एक गेट सम है वो दो वेरिएबल्स दे रहा है और दूसरा गेट सम जो है वो तीन वेरिएबल्स दे रहा है। सपोज अगर हम यहाँ पे दो वेरिएबल्स दे, सपोज 10, 20, तो विल सी क्या होता है। इसका मतलब अगर मैं दो वेरिएबल्स देता हूं तो मुझे आउटपुट आना चाहिए सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है,
तो ये मुझे आउटपुट आना चाहिए सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक, फिलहाल इस गेट को बंद करता हूँ। ठीक, और अगर मैं यहाँ पे तीन वेरिएबल देता हूँ तो मुझे आना चाहिए वहां पे आउटपुट सम ऑफ थ्री नंबर्स। ठीक, तो मैं देखता हूँ क्या ये पॉसिबल है। तो मैं ऑब्जेक्ट से गेट सम को कॉल करता हूँ, दोनों का नाम गेट सम है, लेकिन एक में ऑब्वियसली दो वेरिएबल्स है और एक में तीन वेरिएबल्स है। तो मैंने दो वेरिएबल वाले को कॉल यहाँ पे कॉल किया और मैं देखता हूँ क्या दो वेरिएबल वाली फंक्शन को कॉल होता है। इसको कम रन करेंगे एंड हियर यू कैन सी दैट हमें जो आउटपुट आया सम ऑफ टू नंबर्स, हमने दो इसमें दिए थे दो वेरिएबल, इसके इसी वजह से इसने जिस फंक्शन को कॉल किया वो यहाँ पे है, हमें यहाँ पे हमें फंक्शन है ये वाली फंक्शन जो है हमारे पास, तो इसको है दो वेरिएबल दे रहा, तो इसमें हमने आउटपुट दिखा था सम ऑफ टू नंबर्स, तो सम ऑफ टू नंबर वाली फंक्शन को हमने कॉल किया था तो इसी को कॉल हुई। इसका मतलब अभी तक तो ठीक है। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे। नेक्स्ट चेक में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और वेरिएबल ऐड करेंगे, सपोज 10, 20, 30। तो अब इस गेट सम में हमने तीन ऐड किए, तीन पैरामीटर्स, 10, 20 एंड 30, तीन इंटीजर पैरामीटर, और यहाँ पे ये दूसरी है ये 10, ये तीन इंटीजर पैरामीटर ले रहा है, और इस वक्त हमें जो प्रिंट आउट आना चाहिए, जो आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए सम ऑफ थ्री नंबर्स। वी विल चेक क्या ऐसा ही है, हम इसको रन करेंगे। तो हमें यहाँ पे आया सम ऑफ थ्री नंबर, इसका मतलब ऑब्वियसली हम कॉल कर पा रहे हैं ऑन द बेस ऑफ पैरामीटर्स। अगर हम पैरामीटर दो रख रहे हैं तो इस वाली फंक्शन को कॉल हो रहा है, अगर हम पैरामीटर तीन यहाँ पे दे रहे हैं तो इस वाली फंक्शन को कॉल कर रहा है। हम इसका एक और वर्जन भी क्रिएट कर सकते हैं लाइक दिस वाइड सम, एक ऐसा जो कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है, तो विंडो सम get sum actually, तो मैंने यहाँ पे लिखा एक और get sum फंक्शन बनाई जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, वो एक आउटपुट कर रहा है called function with no param। तो अगर मैं यहाँ पे तीनों के तीनों हटा दूं, ठीक है, एंड इसको अब रन करूं तो आई विल गेट कॉल्ड फंक्शन विद नो पैरम, यानी एक और जो मैंने एक और ओवरलोड किया, तो मैंने इस फंक्शन को तीन बार ओवरलोड किया, दिस वन एंड दिस वन। तो तीन बार इसको मैंने ओवरलोड एक्चुअली यहां पे किया, एक तो ये, एक तो ये, एक तो ये। अब लेकिन तीनों में देखो डिफरेंस है इन आर्गुमेंट्स, इसमें दो आर्गुमेंट्स है, इसमें तीन आर्गुमेंट्स है, और यहाँ पे हमें कोई आर्गुमेंट नहीं है। अब फंक्शन ओवरलोडिंग में किस में डिफरेंस होना चाहिए, फंक्शन ओवरलोडिंग में डिफरेंस होगा ऑन द बेस ऑफ आर्गुमेंट्स, इन आर्गुमेंट्स में डिफरेंस होना चाहिए, या नंबर या टाइप, या नंबर या टाइप। हमने यहाँ पे अभी नंबर पे देखा, हाँ अगर यहाँ पे रिटर्न ऐसा होगा, सपोज यहाँ पे ऐसा होता कि यहाँ पे भी दो होता लेकिन हम यहाँ पे फ्लोट लिखते हैं, इस वजह से भी ये अलग एक फंक्शन बन जाती, ये अलग एक फंक्शन बन जाती, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंटीजर टाइप है और यहाँ पे फ्लोट टाइप है। तो या तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स डिफरेंट होने चाहिए या टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। हाँ, रिटर्न टाइप से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सपोज अगर यहाँ पे ऐसा हो int x int y और यहाँ पे हो int get sum, यानी इनके जो arguments है दोनों में दो दो arguments और type of argument भी एक जैसा ही सेम है, लेकिन रिटर्न टाइप इनका जो है अलग अलग है, तो ये एक्चुअली ये नहीं होगा, ये ओवरलोड नहीं होगा, ये जो है ये एक इशू है, ये एरर हमें दिखाएगा यहाँ पे, ये ओवरलोड नहीं होगा, ये काम नहीं करेगा। इसका मतलब क्लियर है कि रिटर्न टाइप से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, रिटर्न टाइप उसका इंट हो, कैर हो, वाइड हो, जो भी हो, हमें जो फर्क पड़ता है दैट इज ओनली डिफाइंड ऑन द टाइप, या ये टाइप ऑफ ये जो है आर्गुमेंट्स पैरामीटर्स डिफर होने चाहिए,
या आर्ग्यूमेंट्स में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफर होना चाहिए। जैसा कि हमने यहाँ पे तीन गेट सम की तीन फंक्शंस बनाई, हमने गेट सम को ओवरलोड किया, तीन बार ओवरलोड किया। एक हमने गेट सम फंक्शन लिखी विथ टू आर्ग्यूमेंट्स, एक हमने एक और गेट सम लिखी विथ थ्री आर्ग्यूमेंट्स, एक हमने गेट सम लिखी विद नो आर्ग्यूमेंट। तो ये तीनों फंक्शंस ओवरलोडेड फंक्शंस है। और यहाँ पर हम पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट यूज करते हैं, यानी पॉली मीन्स मनी एंड मॉर्फ मीन्स फॉर्म। तो एक ही नाम के तीन फॉर्म्स है, जैसे एक स्टूडेंट क्लास में होता है, वो क्लास में एक स्टूडेंट होता है, ग्राउंड में जाता है एक प्लेयर बन जाता है, नाम उसका चेंज नहीं होता है, वो कहीं और जाता है, सपोज बाइसिकल चलाता है तो, या गाड़ी चलाता है या बाइक चलाता है तो ड्राइवर कहलाता है उस टाइम, तो ड्राइव करता होता है। तो उसका जो नाम है स्टूडेंट का या जो आपका नाम होता है वो चेंज तो नहीं होता, लेकिन बेस्ड ऑन द इनपुट आपका जो डिजिग्नेशन है वो चेंज होता है। आप क्लास में होते हो स्टूडेंट बन जाते हो, ग्राउंड में होते हो आप प्लेयर बन जाते हो, आप कहीं और होते हो, सपोज ड्राइव कर रहे हो तो आप एक ड्राइवर बन जाते हो। इट डिफाइंड ऑन द टाइप ऑफ इनपुट और आर्गुमेंट्स आप कैसे ले रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल इलस्ट्रेशन है, सिंपल इलस्ट्रेशन है। हाँ, हम ऑब्वियसली हम इसमें फिर काम और डिफरेंट कर सकते हैं, जो भी हमने करना हो। सपोज यहाँ पे सम ऑफ टू नंबर्स दे सकते हैं, यहाँ पे आउट सी आउट कर सकते हैं, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी का हम यहाँ पे एड सी आउट करा सकते हैं। इस तरह यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का सी आउट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन हमें क्या करना है, तो हम वो चीजें कर सकते हैं। एंड दिस विल जस्ट कॉल दिस। तो अगर हम यहाँ पे अब इसको करें, जैसे 1 मिनट, 10 और 20, ठीक है, फिर से गेट सम को कॉल करें, इसमें दे 10, 20 एंड 30, एंड फिर से गेट सम को कॉल करें जिसमें कुछ नहीं है। तो हमने तीन बार एक ही फंक्शन को कॉल किया, लेकिन तीनों बार अलग अलग फंक्शन कॉल होगी, क्योंकि हमारे पास गेट सम के तीन वर्जन्स है। पहला वर्जन जिसमें दो आर्गुमेंट्स है, दूसरा वर्जन जिसमें तीन आर्गुमेंट्स है, तीसरा वर्जन जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है। तो ये वाली फंक्शन जो है ये कॉल करेगी उस वाली फंक्शन को जिसमें हमारे पास ऑब्वियसली दो आर्गुमेंट्स है, ये दो आर्गुमेंट्स वाली फंक्शन को कॉल करेगा, ये तीन आर्गुमेंट वाली फंक्शन को कॉल करे, और ये उस वाली फंक्शन को कॉल करेगा जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है। अगर हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, टर्मिनेट करना भूल गए थे। तो ये सम ऑफ टू नंबर्स, तो पहली जो हमने यहाँ पे है सम ऑफ टू नंबर्स, ये वाली फंक्शन सम ऑफ टू नंबर्स इसने कॉल किया, ठीक है, फिर ये वाली फंक्शन इसने सम ऑफ थ्री नंबर्स कॉल किया, फिर ये वाली फंक्शन जो है कॉल जो है इसने क्या किया था, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है, सम ऑफ टू, सम ऑफ, फिर पहली वाली फंक्शन सम ऑफ टू नंबर्स को 10 प्लस 20 इज 30, सेकंड वाली फंक्शन सम ऑफ थ्री नंबर्स 10 प्लस 20 प्लस 30 इज 60, एंड तीसरी वाली फंक्शन कॉल द फंक्शन विद नो पैरम, क्योंकि उसमें कोई पैरम नहीं भेजा था, हमने खाली आउटपुट यही लिखा था। तो इसका मतलब जो फंक्शन ओवरलोडिंग है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल एक तरीका है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में। जरूरी नहीं है, अगर सी में ये प्रोग्राम होता तो हमें लिखना होता था सपोज गेट सम वन, गेट सम टू, गेट सम थ्री, तो कुछ ऐसा करना पड़ता हमें, क्योंकि वहां पर हमें तीन फंक्शंस का एक ही नाम नहीं हो सकता, हमें तीन फंक्शंस का एक ही नाम नहीं हो। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में हम एक से ज्यादा फंक्शंस का नाम जो है एक जैसा रख सकते हैं, आइडेंटिकल हो सकता है, लेकिन हाँ वो डिफर करने चाहिए
ऑन द टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ऑन और ऑन द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, या उनके टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफर होने चाहिए या उनके नंबर जो है आर्ग्यूमेंट्स का डिफर होना चाहिए। तो यहां से हमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट मिलता है क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म का। जो पॉलीमॉर्फिज्म है, हमें और भी चीजें अब आगे आएगी, लेकिन ये एक बेसिक इलस्ट्रेशन थी कि कैसे हम यूज करते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग को।